किम्स हॉस्पिटल, ये है आपके लिए आज कंपनी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे बड़ा हेल्थ केयर ग्रुप है और किम्स हॉस्पिटल ब्रांड के तहत 9 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस कंपनी के पास में है और 25 से ज्यादा स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज देने का काम कंपनी करती है। कोई भी दूसरा बड़ा हॉस्पिटल इस एरिया में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हो, उससे डबल कैपेसिटी की बेड क्षमता किम्स के पास है। आइए, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर भास्कर राव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो किम्स के एमडी तो ही हैं और आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी से आपने मेडिसिन और सर्जरी में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है, चेन्नई के मद्रास मेडिकल कॉलेज से जनरल सर्जरी में मास्टर्स भी किया है, ओहो, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में 27 साल से ज़्यादा का अनुभव है, अपोलो ऑस्टिन हॉस्पिटल मेलबर्न यूनिवर्सिटी में डॉक्टर राव साहब बड़े पदों पर हैं। सर, इससे पहले मैं आपसे रिजल्ट पे बात पूछूं, एक्चुअली मेरे दिमाग में ख्याल आया किम्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? एमएस तो मैं समझ रहा हूँ, कहीं मेडिकल साइंस होगा, ये नाम कैसा है सर किम्स? कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ओके, उसको शॉर्ट फॉर्म करके किम्स रखा है, जी परफेक्ट। अब मैं पहले रिजल्ट बता दूं हमारे दर्शकों को और उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। आय 4% बढ़कर आई है साल दर साल कंसोलिडेटेड बेसिस पर 372 करोड़, कामकाजी मुनाफा 12.5% बढ़ा है, 113-114 करोड़ पहुंचा है। इस समय जब ज्यादातर कंपनियों के मार्जिन हो रहे हैं खराब, यहां पर किम्स ने 2% मार्जिन बढ़ाया, 2.25% 30.5% पर पहुंचे और मुनाफा दमदार 42% बढ़कर आया, 83 करोड़ 83 करोड़ रुपए के आसपास। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स कह सकते हैं हर एक पैरामीटर पर किम्स के। अच्छा सर, बताएं सबसे पहले मार्जिन्स और मुनाफे में, स्पेशली ये मार्जिन्स में बढ़िया जो मजबूती आई है, इसके पीछे क्या रीजन है सर? मार्जिन्स के लिए दैट नाउ वी हैव द पेयर मिक्स इन द लास्ट क्वार्टर एंड ऑल कैश एंड इंश्योरेंस and also the high procedures what we have done, that's why the EBITDA margins and the operational efficiency has improved. So with all these factors, I think the margins has gone up. तो मार्जिन इंप्रूवमेंट होते हुए दिखे हैं, ये इसका बड़ा फायदा मिला है। अच्छा सर, टॉप लाइन थोड़ी सी म्यूटेड है, बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है, खराब भी नहीं है, तो क्या इस वक्त आप देख रहे हैं डिमांड किस तरह की है और क्या रेवेन्यू में आगे चलते हुए ग्रोथ दिखेगी या स्टेबल ही रहेगा? The top line has basically what happened, the Omicron wave 3. During that time, even though more patients have not come, with the fear of Omicron, all the elective patients has not come, one aspect. Second thing is the healthcare workers, especially the doctors and the non-medical people also affected with Omicron. So they have taken leave. That's why that period has been, that's why the top line has been muted. Going forward, I think we'll be able to move a little better than, and that too, the February month is 28 days when compared to all the quarters, the quarter on 2-3 days has come down. These factors, I think that growth is being muted in that. अच्छा सर, ये बताइए कि इस साल ये फाइनेंशियल ईयर जो मार्च 2023 में खत्म होगा, कितने बेड्स, कितनी कैपेसिटी और आप ऐड करने का इरादा रखते हैं, और कुछ नए हॉस्पिटल्स भी खोल रहे हैं सर? एग्जिस्टिंग बेड्स एंड एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज वी हैव अबाउट 700-800 बेड्स ऑक्यूपेंसी इज ऑलरेडी फ्री वी कैन यूज टू डू एंड यू आल्सो नो दैट सनशाइन वी हैव बीन एक्वायर 600 बेड इन 3 localities दैट आल्सो अनदर 50% एज ऑफ नाउ वी आर एबल टू डू 60-65% ग्रोथ मूविंग एज वी प्रॉमिस्ड दैट इन आंध्रा एंड तेलंगाना वी आर गोइंग टू ऐड इन द नेक्स्ट 18 टू 24 मंथ्स ऑफ 700 बेड्स इन तेलंगाना वी आर एडिंग अनदर 700 बेड्स apart from the sunshine hospitals so with this 1500 beds are going to come in the next 12 to 18 months 24 to 36 months both in andhra and telangana apart from that we are also announced in nasik 325 beds are going to come in next 18 to 24 months we are looking for the central india some more brownfield and acquisitions maybe it is worth around 30,000 beds in the next 24 months. And we are planning to look into Bangalore and also we are planning to expand there about starting with 300 beds, maybe moving into 3-4 localities in Bangalore alone, apart from Karnataka. So that will also take up a little higher bed capacity in the coming 24 months. में आप प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपने बताया नासिक में भी आप हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं, राइट सर?
Yes, we are already existing Nasik, Dr. Raj Nagarkar. We are building a multi-specialty space. There is a potential in Nasik in that area when compared to the population and the number of beds that are available. And we found that it's a great opportunity. And Raj Nagarkar has a last 20 years experience in the oncology field, and he's running the HCG, an oncology unit. So multi-specialty will definitely help us. All the oncology patients require multi-specialty treatments. They will all come to us, and also with Raj Nagarkar and our brand, we'll definitely, with our experience of running a multi-specialty hospitals, so that will definitely give a good boon for KIMS. अच्छा डॉक्टर राव, एक वैसे तो आपकी कंपनी से डायरेक्टली जुड़ा सवाल नहीं है, बट आप इंडस्ट्री वेटरन हैं, इतना एक्सपीरियंस है आपको, तो मैं पूछना चाहता हूँ। ये अभी बंगलुरु में जो खबर आई कि टाटा 1mg वो 100 रुपीज़ में टेस्ट करने जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं आप, क्या ये पैथ लैब और टेस्टिंग वाले बिजनेस में बड़ा डिस्रप्शन कर सकता है? कुछ जो एग्जिस्टिंग जो कंपनियां हैं जो पैथ लैब है उन पर बड़ा खतरा है? See, basically, there are in this country we have different variety of population, that middle class, lower middle class, upper class. So the people have segregated themselves to where they want to go to good quality treatment, good ambience, good operational efficiency, time management, and all. This population of wealthy and wealth and middle class and lower middle, they segregate themselves, which units. Still, this country needs more number of hospital beds and more number of diagnostic tools, diagnostic investigations. I don't think that will be able to affect if anybody is coming with a lower price. Everybody has their own space, and people will be able to survive. ओके बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भास्कर राव साहब, हमारे लिए समय देने के लिए, अपनी कंपनी के नतीजों पर और सेक्टर पर हमें अपना आउटलुक बताने के लिए। तो ये थे किम्स के टॉप मैनेजमेंट बताते हैं अपनी कंपनी के बारे में।